के तमाम मीडिया को दावत दी और अपने फार्म पर अपनी 50,000 की लीड पर मैंने कुरान रख दिया। मुझे इस कुरान मजीद की कसम, मैं जीत चुकी थी और आज भी मैं उसी कुरान पर फैसला लेना चाहती। हाजासों को बुलाए, वो भी कुरान पर हाथ रखे जिस कुरान पर मैंने हाथ रख कर कहा था कि मैं जीत चुकी हूँ। सारा इंटरनेशनल मीडिया मेरी जीत में जीत की ऐलान कर रहा है, सारों तरफ मेरी जीत की गूंज उठी हुई है। मुझे उस कुरान की कसम, आज जहाँ मैं आई हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मेरे नबी की उम्मत फैसला करने वाली मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर माँ को फैसला दे, मुझे मंजूर होगा इंशाअल्लाह ताला। जीत हक और सच की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मिराहा पाइंदाबाद। साहब ने आर्गू किया लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे साथ ये धांधली का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि लीड हमारी बहुत ज़्यादा है वो अभी तक कवर नहीं हो रही। और आर ओ साहब को जो पिछली तारीख पे कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट पेश करें, आर ओ आज भी कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं कर सका क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा है, वो कवर नहीं कर सका। हमने तमाम के तमाम हमारे 358 जो फॉर्म 45 थे ओरिजिनली हमने कोर्ट में पेश कर दिए हैं। ये मैं आपको भी मीडिया में दिखा रहा हूँ, इस तरह के हमारे NA-71 के 358 हमारे फॉर्म 45 हमने पेश किए हैं। इसके मुताबिक हम मोर देन 50,000 से जीत रहे हैं। अब वो मार्जिन कवर करने के लिए जो आरओ ने फॉर्म 47 और 49 जारी किया है वो अभी तक चूँकि कवर नहीं हो सका, इलेक्शन को आज पाँचवा दिन है तो इसलिए आरओ ने रिपोर्ट पेश नहीं की। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, नेक्स्ट 22 डेट है, इसमें आरओ को हमने रिक्वेस्ट की है कि आरओ इस तरह नहीं आएंगे। जज साहब से शोकाज की रिक्वेस्ट की है, वो इंशाल्लाह ऑर्डर आ जाता है। उम्मीद है कि जज साहब इसमें शोकाज भी करेंगे और आरओ 22 को रिपोर्ट देंगे कि वो कैसे इनके अलावा कैसे अपने फॉर्म 45 जाली बना के यहाँ पे रिपोर्ट पेश करता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। था मैंने कुरान ऊपर रखा क्या कि मैं जीत चुकी हूँ 50,000 की लीड से। अब मैंने देखना है कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो भी नबी की उम्मत है, नबी की उम्मत है। मैं देखती हूँ कि मेरे नबी की उम्मत का मेरे लिए क्या फैसला है, तो फिर मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। बात डॉक्टर साहब को बताइएगा कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे से बल्ले का निशान छीना है, तो क्या आपको जो आपका रिजल्ट चुराया गया वो इलेक्शन कमीशन वापस करेगा आपको? मुझे पूरी उम्मीद है ना करेगा, तो बेटे आप देखते हैं मैं आगे से क्या राय अमल करूँ, क्या राय अमल आपको दूँगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी, बाद में इंशाल्लाह वापसी पे बात करेंगे। साफ और शफाफ फैसला होना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, साफ और शफाफ इलेक्शन फैसला होना चाहिए। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बने, कोई कमेंट करेंगी आप? हाँ, मुबारक हो उसको, मुबारक। आप देख सकते हैं समाट है, ये भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे, तो ये कहती हैं कि मैं आखिरी फ़ौरन तक आखिरी अपनी जंग लड़ूंगी। ये हरियाणा इलेक्शन कमीशन में पहुँच चुकी है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं आखिरी लड़ूंगी और अपना हक वापस लेकर ही रहूँ। 25 लोग पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने जो मेरे लोग मेरे साथ धक्के मारे, इतनी ज़ोर से बारूदी की तोड़ी में मेरे दो। मैं पूछती हूँ कि क्या मुझे राइट नहीं था मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही थी?
मुझे अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए थी और है भी थी, मगर वो जो सटों का उसी की वजह से मैं कहूँगी कि मैं कुरान पे हाथ रखा जीत चुकी थी, तो जो हाजा साहब फायदा।